तो अभी अभी मी ए टू लॉन्च हुआ है इंडिया में, और जब हम लॉन्च इवेंट में थे तो वहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई गई जो ये है, और वहाँ पे मी ए टू के कैमरे को वन प्लस सिक्स और आईफोन एक्स से कंपेयर किया गया। अब आईफोन एक्स दोस्तों कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, 4 टाइम्स द प्राइस एंड वो आईओएस में, बट वन प्लस सिक्स के साथ जो दोस्तों कंपटीशन था, हमने सोचा अगर शुरुआत उन्होंने की है तो ख़त्म हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम फुल ऑन कंपैरिजन करेंगे वन प्लस सिक्स वर्सेज मी ए टू का, और बताएंगे कि क्या उस प्राइस डिफरेंस में आपको सेम क्वालिटी की फोटोज़ मिलती हैं, और फिर एक वर्डिक्ट भी देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कैमरे के लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन से, और मी ए टू में दोस्तों आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, और जो प्राइमरी है वहाँ पे दोस्तों आपको 1.25 माइक्रोन पिक्सल का साइज, और जो सेकेंडरी है उसमें 2 माइक्रोन पिक्सल का साइज मिल जाता है, और दोनों ही लेंसेज f1.75 अपर्चर के हैं। अब इसके अगर सेंसर्स के बारे में बात करो तो आपको यहाँ पे सोनी का IMX486 प्लस IMX376 का सेंसर मिल जाता है। अब फ्रंट कैमरा में दोस्तों आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, और उसमें आपको सोनी IMX376 का सेंसर मिल जाता है f2.0 अपर्चर के साथ। और मी ए टू के बाद दोस्तों नजर डालते हैं वन प्लस सिक्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको रियर कैमरे में डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है जो है 16 प्लस 20 मेगापिक्सल का, और जो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है उसमें आपको सोनी IMX519 का सेंसर मिल जाता है। इसका जो पिक्सल साइज है वो है 1.22 माइक्रोन पिक्सल, एंड इसमें दोस्तों आपको OIS भी मिल जाता है EIS के साथ। अब जो रियर कैमरा का जो सेकेंडरी है दोस्तों वहां पे आपको मिलता है सोनी IMX376 का सेंसर, और इसमें तो भी दोस्तों आपको f1.7 का अपर्चर मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा दोस्तों OnePlus 6 का है 16 मेगापिक्सल का, और यहां पे भी आपको IMX376 का सेंसर मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स दोस्तों ऑन पेपर जो IMX519 का जो सेंसर है OnePlus 6 का वो Mi A2 से ज़्यादा बेटर है, बट कितना बेटर है जानते हैं हम इस फुल ऑन कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों HDR से, जो हमने बाहर जो आउटडोर एनवायरनमेंट उसमें लिया है, और दोनों ही फोन दोस्तों ऑटो HDR में सेट थे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि दोनों ही कैमराज ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बट अगर आप OnePlus 6 के डायनेमिक रेंज को देखते हैं तो वो Mi A2 से ज़्यादा बेटर है। अगर बादलों के आप टेक्सचर को देख लीजिए, और जो पेड़ है वो भी दोस्तों वेल लिट है, तो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड दोनों ही वेल लिट है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम दूसरी HDR फोटो की तरफ, और यहाँ पे भी OnePlus 6 ने अच्छा काम किया है, बट मेरे हिसाब से OnePlus 6 ने थोड़ा सा टिंट डाल दिया है, जो कि जो प्राइमरी कलर होता है फोटो में उसका टिंट ओवरऑल आपको फोटो में दिख जाता है। और अगर आप उसके बाद OnePlus 6 के फोटो में जूम करते हैं और Mi A2 के भी फोटो में जूम करेंगे तो OnePlus 6 की जो क्लैरिटी है वो बहुत ही जल्दी लूज हो जाती है, बट अगर आपको सिर्फ फेसबुक वगैरह के लिए फोटो चाहिए इतना ज्यादा अगर आपको क्लैरिटी जूम इन में फर्क नहीं पड़ता तो हाँ OnePlus 6 ने बेटर काम यहां पे भी किया है। अब इन HDR फोटो को भी दोस्तों आप देख लीजिए, और अगेन OnePlus 6 ने बेटर काम किया है जहां पे टेक्सचर की बात है, जहां पे डायनेमिक रेंज की बात है, बट प्राइस डिफरेंस के हिसाब से दोस्तों मी ए टू ने भी बहुत ही कमाल का काम यहाँ पे किया है। और अगर आप देखते हैं कि वन प्लस टू में आपको दुगनी प्राइस रेंज में जो कैमरा मिल रहा है, आपको उससे 80% जो है HDRs वो आपको मी ए टू में मिल रहे हैं। और अब बढ़ते दोस्तों हम HDR सेल्फीज की तरफ, तो दोनों ही फोन्स में आपको ऑटो HDR में सेल्फीज में मिल जाता है। अब जैसा कि हमने लॉन्च वाली फोटो में देखा था कि एक रेड टिंट है फोटो में, तो जी हाँ यहाँ पे हमें वो रेड टिंट मिली है, थोड़ी सी वार्म है फोटोज, बट सर्टनली अगर आप पीछे अगर बादलों को देखें और उसके आसपास दोस्तों पेड़ों को देखते हैं और या फिर उसके आसपास टेक्सचर भी देखते हैं तो आपको ओवर एक्सपोज नहीं लगता है OnePlus 6 में, और Mi A2 से वो जो डायनेमिक रेंज है वो ज़्यादा अच्छी कैप्चर हुई है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट की तरफ, और स्टार्टिंग में आपको दो एग्जांपल बताना चाहूँगा। अब OnePlus 6 अच्छे पोर्ट्रेट ले सकता है डायरेक्ट सनलाइट में, और दोस्तों ये जो डायरेक्ट जो सनलाइट आपको बैकग्राउंड में दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपैरिजन करने के लिए। तो Mi A2 दोस्तों क्या होता है कि अगर आप पीछे देखो तो HDRs को हैंडल नहीं कर पाता है, अगर आपके पीछे बैकग्राउंड में बहुत धूप होगी तो वहाँ पे अगर आप अगर वो पोर्ट्रेट ब्लर लगाएगा तो बेसिकली वाइट पूरा आता है, लेकिन अगर आप OnePlus 6 की तरफ नज़र डालो तो ब्लर के साथ साथ HDR भी देता है, जिससे कि जो पीछे का जो डायनेमिक रेंज है वो भी इंटैक्ट रहता है, फोटो में जो ब्लर है वो यूनिफॉर्म दिखाई देती है। एज डिटेक्शन दोस्तों दोनों ही कैमराज के बढ़िया है, और एक बात यहाँ पे है कि OnePlus भी दोस्तों परफेक्ट नहीं है, जो इमेजेस हैं उसमें वो नेचुरल जो वो थोड़ा सा वार्म कर देता है, थोड़ा सा रेडिश टिंट आ जाती है,
बट एनीवेज जो ब्लर है वो दोस्तों वहाँ पे हमेशा ही नेचुरल लगती है, और ऐसा नहीं लगा कि OnePlus के जो ब्लर है उसको मुझे घटाने या बढ़ाने की जरूरत पड़ा। बट हाँ, अगर Mi A2 में अगर ऑप्शन होता कि कहीं पे हम ब्लर घटा सकते थे तो वो एक अच्छा यहाँ पे एडिशन होता। और अब बढ़ते हैं दोस्तों हम सेल्फी पोर्ट्रेट्स की तरफ, और अगर आप इस फोटो को देखें तो अगेन ब्राइट सनलाइट में जो Mi A2 का बैकग्राउंड है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज है, और ऐसे में हमने जो बंट आउट इमेजेस देखी है Mi A2 में वो पोर्ट्रेट में भी आपको दिख जाएंगी। और OnePlus 6 में दोस्तों जब लॉन्च किया था अपना जब पोर्ट्रेट सेल्फीज था तो वहाँ पे भी दोस्तों ये बंट आउट इमेजेस देखने को मिली थी, बट उन्होंने फिर आगे अपडेट के बाद अपनी जो सेल्फीज हैं उन पर बहुत काम किया और अब वो बहुत बेटर लगती हैं अगर आप Mi A2 से कंपेयर करो। टिंट ऑफकोर्स आपको यहाँ पे भी मिल रहा है वो रेडिस्ट टिंट, बट हाँ ब्लर जो है वो बहुत नेचुरल है। एज डिटेक्शन दोस्तों एक ही कैमरे से अगर आप देखें Mi A2 और OnePlus 6 दोनों का मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आती है नाइट फोटोज की बारी, और नाइट फोटोज में मैं OnePlus 6 को अगर आप इन इमेजेस में देखें तो वहाँ पे आपको नॉइस कम मिलती है, वहाँ पे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है, और इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखो OnePlus 6 में तो उसका OIS है। OIS बहुत मदद करता है OnePlus 6 को बेटर नाइट फोटोज के लिए। एंड एनीवेज मैं बताना चाहता हूँ कि Mi A2 का जो नाइट मोड वाला कैमरा है जो मैनुअल मोड में आता है हमने उसी में सारी की सारी नाइट फोटोज ली हैं। तो अगर आप इन फोटोज पर नजर डालते हैं तो शटर स्पीड देखिए और ISO देखिए, तो OIS के कारण होता क्या है कि शटर स्पीड थोड़ी बेटर होती है और उसके साथ साथ जो ISO है वो कम होता है, तो आपको डिजिटल नॉइस कम मिलती है और जो लाइट कैप्चर है OnePlus 6 की वो ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जो नाइट फोटोज का जो इमेजेस आते हैं वो आपको OnePlus 6 में बेटर मिल रही है। बट हाँ एक बात है, अगर आप मैनुअल मोड में कुछ टाइम लेकर के शटर स्पीड और ISO के साथ अगर इमेजेस लें और वहाँ पे अगर आपका ट्राइपॉड हो तो जी हाँ Mi A2 भी ऐसी एक इमेज ले सकता है। अब आता है दोस्तों नाइट सेल्फी या नाइट पोर्ट्रेट फोटोज का जो सेल्फी से लेते हैं, और Mi A2 में दोस्तों जो आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैश मिलता है वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है नाइट सेल्फीज के लिए। और एनी फोटो अगर आप देखो तो वो Mi A2 में बेटर आ रही है, उसकी जो वेल लिट एनवायरनमेंट है और आपकी जो शक्ल पे जो लाइट मिलती है वो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप पोर्ट्रेट्स में भी देखो तो फ्रंट फेसिंग फ्लैश के कारण जो पोर्ट्रेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं नाइट में, बट द सेम टाइम जो ब्लर है बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है टाइम्स, तो अगर वो घटाने का ऑप्शन होता तो शायद नाइट पोर्ट्रेट्स सेल्फी से बहुत ही अच्छी आ पाती। अब बात है दोस्तों मैक्रो फोटोज़ की तरफ, तो मैक्रो फोटोज़ में सबसे ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि अगर आप Mi A2 के टाइम को देखें, मैक्रो फोटोज़ लेने में बहुत टाइम लगता है वो हमने हमारे कंप्लीट रिव्यू में बताया, और ऐसे में जब आप मैक्रो फोटोज़ ले लेते हैं तो उसमें क्लैरिटी अच्छी आती है। अगर आप इस फूल को देख लीजिए, इसके जो सारे के सारे लाइन्स हैं आपको दिख रहे हैं, बट OnePlus 6 में हालांकि उसने फोटोज़ बहुत जल्दी ले ली बट उसमें दोस्तों जो ओवरऑल सॉफ्टनेस आ गई है फोटो में, तो इन द सेंस मैक्रो फोटोज़ में टाई बोलूंगा क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक तरफ थोड़ी सी आपको जो क्वालिटी है उसमें कमी मिल जाएगी। तो मैक्रो फोटोज़ जो भी आप मान लो, चाहे OnePlus 6 या Mi A2। एंड फाइनली दोस्तों आते हैं हम इंडोर फोटोज़ की तरफ, तो इंडोर फोटोज़ में अगर आप इन फोटोज़ पे देखें तो वहाँ पे आपको ओवरऑल क्लैरिटी और जो फोटो क्वालिटी है वो OnePlus 6 की बेटर लगेगी। हाँ यहाँ पे भी आपको दोस्तों एक टेंट मिल जाता है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो एरिया जो डार्क है उसको भी वेल लिट यहाँ पे दिखाया गया है। बट एट द सेम टाइम Mi A2 दोस्तों मुझे ज़्यादा नेचुरल लगी बिकॉज मैं जब फोटोज़ ले रहा था तो मैं अपने आंखों से देख रहा था, और Mi A2 की दोस्तों जो नेचुरलनेस है वो ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में आई लेट यू बी द जज कि आपको कौन सी तरह की फ़ोटोज़ पसंद है। दोनों ही फोटोज़ दोस्तों बहुत कमाल की हैं, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ आई हैं, बट किसी को वो ब्राइट एनवायरनमेंट एंड ओवर सैचुरेशन पसंद है और किसी को दोस्तों क्लोज टू नेचुरल जैसा दिखता है वैसा अगर फोटोज़ मिले तो अच्छा है। तो इंडोर फोटोज़ दोनों ही में आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। एंड फाइनली दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नज़र डालते हैं तो दोनों ही फ़ोन्स में हमने वीडियो लिया है 1080p पे, बिकॉज 4K में जो EIS है Mi A2 का अच्छी तरह काम नहीं करता है, और यहाँ पे आपको Mi A2 में EIS मिल रहा है जबकि OnePlus 6 में OIS प्लस EIS। और अगर आप OnePlus 6 पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अमेजिंग डायनेमिक रेंज अगर आप Mi A2 से कंपेयर करो, और क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे बहुत ही साफ मिल रही है। तो वीडियोस नो डाउट OnePlus 6 के फार बेटर हैं Mi A2 से। एंड अभी आप दोस्तों स्लो मोशन वीडियो को भी देख लीजिए जो हमने लिया है दोनों फ़ोन से, एंड यहाँ पे भी OnePlus 6 ने बेटर फ्रेम रेट्स आपको दिए हैं स्लो मोशन में। तो दोस्तों ये था फुल ऑन कंपैरिजन Mi A2 और OnePlus 6 का, और जितने भी फोटोज हमने देखे जितने भी वीडियोस हमने देखे नाइट सेल्फीज को छोड़ करके हर जगह OnePlus 6 ने बेटर काम किया है। लेकिन दोस्तों ये जो बेटर काम किया है ये किया है डबल पैसों में। जी हाँ, एक फ़ोन दोस्तों आ रहा है 17,000 का और वही फ़ोन आपको 35,000 का मिल रहा है OnePlus 6।
उससे बेटर कैमरे में। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरा वर्डिक्ट क्या है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको मी ए टू 17,000 रुपये में अगर आप 70-80% ऑफ व्हाट आपको वन प्लस सिक्स में मिल रहा है, अगर आप उससे खुश हैं तो आप मी ए टू ले सकते हैं। कैमरा आपको एट दैट प्राइस बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। बट हाँ, अगर आप कंपेयर ही कर रहे हैं तो वन प्लस सिक्स मी ए टू को बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही आसानी से हरा देता है और आपको वहाँ पे क्लैरिटी अच्छी मिलती है, एच डी आर फोटोज अच्छे मिलते हैं। तो प्राइस पॉइंट अगर आपके इतना मैटर नहीं करता तो वहाँ पे दोस्तों आपको बेटर प्रोसेसर, बेटर रैम और बेटर कैमरा सब कुछ बेटर मिल रहा है, तो आप वहाँ पे वन प्लस सिक्स पे ही इन्वेस्ट करें। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उसके पीछे जो हमारी मेहनत लगी है वो पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। हमारे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाओ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।